हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस नई क्लास में, और ये है हमारी सॉल्यूशन क्लास। आई होप आप लोग, जो लोग बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे उनको बता दूं, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का जो मॉक वन हुआ है अभी 10 AM की क्लास हुई है 26 सितंबर को, उसकी सॉल्यूशन क्लास होने जा रही है ये वाली। हाँ जी दोस्तों, तो आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है मॉक मेरे साथ में। मैं हूँ हर्षल अग्रवाल, ये कुछ मेरी क्वालिफिकेशंस है, और साथ ही साथ ये है मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल, जहाँ आप मुझे फॉलो करके मेरी सभी क्लासेस पे नजर रख सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं क्लासेस में। साथ ही साथ में ये है मेरा कोड LC100, और नवरात्रि स्पेशल फेस्टिवल स्पेशल पे आपको 20% ऑफ मिल रहा है आपके सब्सक्रिप्शंस पे। गो एंड ग्रैब दिस। और साथ ही साथ में दोस्तों, अब मुझे बताइए क्या क्या सॉल्व करूं सबसे पहले, कि सर ये चीजें सॉल्व करें दिखाओ सबसे पहले, ताकि हमको पता लगे लिमिटेड टाइम में कैसे चीजें करनी है। अर्थमेटिक करूँ, मुझे लगता है अर्थमेटिक में आएगा मेन, ये सब तो कर ही लोगे। चलो अर्थमेटिक में आपको टाइमली सिखाता हूँ कैसे कर सकते थे, ठीक है? अर्थमेटिक की अप्रोच, चलो ठीक है, मैं वैसे एनर्जी मेरी बोलने की तो कम रहेगी। अब जैसे ये क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, ठीक है? अब देखो पेन बाद में, पेन कब उठता है ये चीज देखना एग्जैक्टली। ए और बी 24 में करता है, बी और सी 30 में करता है, ठीक है? फिर ये 15 दिन कर रहा है, 24 और 30 है, तो एलसीएम 120 ले लूं, फटाक से एलसीएम लिया, ठीक है? तो ए प्लस बी का 24 हो जाएगा, बी प्लस सी का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 120 अगर वर्क मान लिया, इसका मतलब ये 5 पे चल रहा है, ये 4 पे चल रहा है, फिर ये इतना इतना करता है करता है। एफिशिएंसी रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:3, तो ए और बी का अगर 2 मान लूं, ये 3 मान लूं, 5 आ जाएगी, सही चल रहा है, मतलब ये 3 है, मतलब ये 1 है, काम खत्म, सारी एफिशिएंसी आ गई, बात खत्म। ए एंड सी टुगेदर वर्क फॉर 15 दिन है, ए और सी 15 दिन काम करेंगे, 2 और 1 3 15 दिन में कर देगा, 15 3 45, और उसके बाद ए सी चले गए, बाकी काम बी ने किया, 120 में 45 चला गया, बच गया कितना 75। बी कितने दिन में करेगा, 75/3 25 दिन में करेगा, टोटल काम कितने दिन में होगा 25 दिन, ये 15 दिन, वो 40 दिन, ये स्पीड और ये अप्रोच रहेगी आपकी, तो काम हो पाएगा। किसको समझ नहीं आया जल्दी से बताइए, ऐसे करने आपको क्वेश्चन, ठीक है? पेन उठाने में बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी। आप लोग क्या करते हो ना, अच्छा अब क्या है, अब क्या हो रहा है भाई, ए एंड सी जितने पता लगता टाइम गया, यहाँ टाइम चला जाता है, वहां पर चलता रहता है, वो 1 सवा मिनट 1.5 मिनट लग जाते हैं, आपको आलस नहीं आना है, एकदम खट 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 खट, मैं तो बोल बोल के समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे 10-12 सेकंड ज्यादा लग जाते हैं बोलने में, समझ रहे? बोल बोल के स्लो डाउन होती है स्पीड, इसी स्पीड में चलना है, ठीक है? किसी डाउट इस क्वेश्चन में किसी डाउट इस क्वेश्चन में बताइए प्लीज, एक बार, कोई डाउट नहीं, चले आगे। नॉर्मल टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क अगर पढ़ा होगा तो कर लेंगे, वरना दिक्कत होगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी इज 52, ए बी सी का सिंपल एज 52 आ गया, ए बराबर 3b/5 है, 3b/5 है, आफ्टर 11 ईयर बी प्लस 11 हो गया, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ सी, तो सीधी सी बात है, ए की वैल्यू 3b/5 डाल लो, प्लस बी कर लो, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो बी प्लस 11/3 कर लो, ताकि हो जाएगी सी की वैल्यू बराबर 52 है, 15 से मल्टीप्लाई कर लो सबको, तो ये 9b हो जाएगा, ये 15b हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5b+55 हो जाएगा, और 52 × 15 520 और 260 780 होता है, 15 और 9 24 और 5 29, बी बराबर कितना हो जाएगा 780 में 55 जाएगा, तो 725 हो जाएगा, 29 × 2 = 580 होता है, 145 जुड़ रहा है, तो 25 ये हो जाएगा, बी 25 आ गया, सी की एज निकालनी है, बी 25 और 11 36/3, सी 12 साल का हो जाएगा, ठीक है? सी 12 साल का हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, इसलिए क्योंकि एज वाली इक्वेशन लंबी जा रही थी, इसलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने 45 सेकंड दिए थे, ठीक है? कुछ क्वेश्चन में 45 दिए थे, कुछ में 30 दिए, जिसमें डायरेक्ट आंसर एक दो लाइन मारा था उसमें 30, जहां जहां इक्वेशन बन रही थी मैंने 45 सेकंड आप लोगों को दिए थे, आपको मालूम है, ठीक है? ये तो इजी था, सबने किया होगा। वेसल में एक मिक्सचर है जिसमें एक्स वाटर है, तो 4x मिल्क हो जाएगा, ये रहा मिल्क, ये रहा वाटर, क्योंकि वाटर 20% है, वो 80% तो एक्स, और 4x कर दिया, अगर 28 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 28 लीटर वाटर ऐड कर दिया, कोई क्लास है क्या मेरी अभी, अनअकैडमी की नोटिफिकेशन भेज रहा है, अच्छा कोई सही है, तो वाटर एक्स प्लस 28 हो गया, उसके बाद में कितना हो जाएगा, हाँ, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम 3/8 ऑफ मिक्सचर, अगर 3/8 मिक्सचर का है, मतलब वाटर 3 है, तो मिल्क 5 हो जाएगा, तभी तो 3/8 ऑफ मिक्सचर होगा, क्योंकि वाटर 3 और मिल्क 5 हो गया, बस इसको सॉल्व करना था, 12x बराबर कितना हो गया 5x+28 × 5 हो गया, सॉल्व करने जल्दी मत किया करो, 7x/28 × 5 है, एक्स बराबर कितना आ गया 7 × 28, तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, एक्स बराबर एक्स 20 आ गया, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इनिशियली कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी, खत्म क्वेश्चन, इजी है,
बता देना कि मिसाल ये टफ लगा हमारे को, ये तो क्या है भाई, इसमें दो बॉल निकालनी थी, दोनों में से कोई सी ब्लैक। एसबीपीओ भी हेल्पफुल है सर मौके वाले। हाँ भैया जी, कितनी बार बोलना पड़ेगा, कैसे बोलूँ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, टाइम पर आओ क्लास में, सब चीजें बताई जाती है, पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था पूरा, प्लीज टाइम पे आया करो, ठीक है। और खाली एसबीपीओ दोगे क्या आप? ध्यान रखो भाई, खैर कोई नियम में ज्यादा इसमें नहीं उलझूंगा, रेगुलर फॉलो रहूंगा, समझ आ जाएगी चीजें। तो दो व्हाइट बॉल है, तीन पिंक बॉल है, दो ब्लैक बॉल है, दो बॉलें निकालनी है, बताओ कोई ब्लैक बॉल ना है, ब्लैक ना है मतलब इन दोनों में से आ जाए, पांच सी दो आउट ऑफ सात सी दो, दोनों में दो दो है तो नीचे दो फैक्टर करो मत, 5 × 4 / 7 × 6, पेन यहां तक नहीं उठना चाहिए। अब उठाओ 5 × 4 / 7 × 6, 20/42 यानी 10/21। बच्चे अगड़ते हैं, दो व्हाइट है, तीन पिंक है, दो ब्लैक है, अब क्या निकालनी है? अच्छा ब्लैक नहीं निकालनी है, अच्छा 5 में से 2 ले लेंगे, टोटल 7 में से 2 ले लेंगे, ऐसे करते हैं। तो सच सच बताना ईमानदारी सर मैंने ऐसे किया, शर्माओ मत, मेरे क्लास में शर्माने का काम नहीं है, जो है मुंह पर बोल दिया करो, हाँ सर ऐसे किया है, ये किस किसने लिखा है बैठ के वहां पे लिखा है ना, तो मान के चलो आपका सिलेक्शन आप खुद खुद रोक रहे हो, आपने बार बार खुद अपनी स्पीड में आप बार बार ब्रेक मार रहे हो, क्यों, इससे इससे क्या मिलता है, सुकून मिलता है जीवन में उसको उतारने में, स्क्रीन पर लिखा हुआ लिखना शुरू कर दो, पढ़ लो ना, इसे दो वाइट है, ये है दो निकालनी है, ठीक है, ब्लैक चाहिए नहीं, 5 में से 2 निकालनी है, आउट ऑफ 7 में से 2 निकालनी है, 5 × 20, 7 × 6 = 42, 20/42, 10/21 लगा दो, ऐसे हो गया इतने में, तुम जितने में लिखोगे इतने तो आदमी ऐसे से कर लेगा। तो फिर तभी तो कह रहा हूँ ना, टाइम क्यों नहीं बचता, इसलिए नहीं बचता टाइम, ठीक है, हर एक चीज मत लिखने बैठ जाया करो, नहीं तो फिर स्कूल की तरह लिखूंगा, लेट वाइट बी रिप्रेजेंटेड एज डब्ल्यू, मैं लिखता था 12वीं क्लास में, ऐसे तो आएगा 100 नंबर, लेट पिंक बी रिप्रेजेंटेड एज पी, लेट ब्लैक बी रिप्रेजेंटेड एज बी, हेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिर ये वाले स्टेप बनाना बैठे बैठे, फिर लास्ट में पूरा सॉल्व करना, हेंस आंसर वाज दिस इज दिस QED, इसे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसे बारी थोड़ी चल रही है। चलो आगे, एक सर्टेन सम है, ये तो आपको यार इतना सिखाया था भाई, इतना सिखाया था, 40% मतलब कितना होता है, 2/5 की रेट होती है, 2 साल तक चलाना है माल को, मतलब 5/2 × 5/2 कितना ले लूं, 25/4 ले लूं क्या, जल्दी बोलो, 25/4 ले लूं, 5 क्यों लिया, देखो 2/5 की रेट थी, 2/5 करना पड़ेगा, 2 साल तक लगातार करना पड़ेगा, तो 2/5 का उल्टा 5/2, 25/4 ले लो, सम ले लिया 25/4, पहले साल में इंटरेस्ट कितना बनेगा, 2/5 बनेगा, हाँ कि ना, जल्दी से बोलो ना, तो 25/10 बन जाएगा क्या, चेक करो, 2 से 4 गया 2 बार, 25/10 बन गया पहले साल का इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर में क्या होगा, फिर से 25/4 का, ये 25/10 हो जाएगा, और इसका खुद का भी इंटरेस्ट लगेगा कितना, 25/10 × 2/5 कितना हो जाएगा, फिर से ये 25/25 बन आ जाएगा, तो पहले साल का इंटरेस्ट दूसरे साल के इंटरेस्ट में डिफरेंस कितने रुपए का है, 1 रुपए का है खाली, ये दोनों तो सेम है, 1 रुपए की वैल्यू कितनी आ रही है, 384, तो सम कितना माना था, 25/4 × 384 हो जाएगा, 4 × 9 = 36, ये 96 × 25 मतलब 9600 × 4 यानी 2400। समझ आया सभी को, CISA बहुत इजी है, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, 100 बार समझा चुका हूँ। अब कई बच्चों ने इसमें रट रखा होगा R/100 का स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है चल गया, जिस दिन सेकंड थर्ड ईयर का पूछ लेगा नहीं चलेगा, इसलिए बता दिया एक बार फिर से, पुनीता जी को मतलब क्लियर नहीं है, फंडे क्लियर नहीं है, पुनीता जी मैंने सम मान लिया 25/4 सिखाया हुआ बेसिक क्लास में, देख लीजिएगा ठीक है, प्लस के मेंबर हो तो 0 to infinity का एक्सेस है आपका, ठीक है, तो 25/4 हो गया, हो गया पहले साल में 40% मतलब 2/5 इंटरेस्ट हो गया, 2/5 इंटरेस्ट हो गया, तो पहले साल का इंटरेस्ट 25/10 आ गया, आ गया, दूसरे साल में क्या होता है, प्रिंसिपल भी इंटरेस्ट लगेगा एक साल का 25/4 का, फिर से 2/5 करूंगा 25/10, और 25/10 का भी 2/5 करूंगा, वो आता है 1, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 13, सेकंड ईयर का 13, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, 1 = 384 है, तो 25/4 को भी 384 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन पे, क्या है, राम शिवा हरि, एक तो भाई साहब शिवा देख के मेरे को आलिया भट्ट की आती है, उसने ब्रह्मास्त्र मूवी में इतनी बार शिवा बोला ना, शिवा 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 शिवा, वो मतलब रणबीर कपूर आग छोड़ रहा है, शिवा मेरा हाथ जल रहा है, शिवा शिवा शिवा, फिर रणबीर कपूर चाय पी रहे, शिवा शिवा चाय, शिवा चाय, शिवा चाय पीऊंगी, फिर रणबीर कपूर भाई सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, शिवा क्वांट नहीं, शिवा रीजनिंग, फिर वो रीजनिंग कर रहा है, शिवा अंग्रेजी करते, फिर वो जीए कर रहा है, शिवा 3 महीने के नहीं 6 महीने के पढ़ लो आरआरबी क्लर्क, बहुत टफ आया था, मतलब शिवा की जिंदगी खराब हो रखी है भाई साहब, वो मतलब बार बार आरआरबी क्लरिकल खराब हो गया, शिवा ये क्या कर रहे हो, लर्निंग कैप्सूल से पढ़ाई करो, शिवा शिवा, मतलब उसने शायद 800 बार 900 बार शिवा बोलने की कोशिश की होगी,
मुझे पहले किसी ने मूवी देखने से पहले रिव्यू बता दिया था शिवा, तो मैंने शुरू में ऐसे बैठा और मैंने शिवा काउंट करना शुरू किया थिएटर में। सच्ची बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, आठ बार, 15 बार, 20 बार, फिर तो भाई ऐसा शिवा शिवा शिवा, मैंने कहा भाई अब ना हो पाएगा यार, क्योंकि मुझे लगा फिर यार, क्योंकि इससे ज्यादा काउंटिंग अगर मैं करूंगा तो मुझे लगा फिर मैं बैठ के नंबर सिस्टम ना पढ़ लूँ बैठ के, या फिर मूवी क्यों देख रहा हूँ, फिर मैंने छोड़ दिया इसलिए। ठीक है, तो इस शिवा से मुझे बेचारे उसकी याद आती है शिवा, तो राम शिवा हरि था। ठीक है, मैं शिवा को भी नहीं बोलता, शिवा बोलना पड़ता, शिवा है ना। तो राम शिवा हरि ने मिलकर बिजनेस शुरू किया 8, 6 और 5 में किया। ठीक है, अच्छा, आफ्टर 8 मंथ्स राम ने 25% निकाल लिया, 8 महीने तक ये रखा, बाकी के 4 महीने में कितना रखेगा, 25% निकाल के 6 रख लेगा। शिवा ने कुछ नहीं किया, ठीक है, तो शिवा का 6 और ये 12 ही रह जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या होगा, हरि ने 20% इंक्रीज कर दिया, तो 8 यहाँ तक रहेगा, तो ये 6 पर हो जाएगा और ये बचे हुए 4 हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब इनका रेशियो निकालूंगा, 4 से काटूंगा 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार, ये कटेगा 2 बार, तो 16 और 6 22 आ जाएगा, 18 आ जाएगा और 16 आ जाएगा, तो रेशियो 11, 9 और 3 का बन जाएगा, तो 8 का बन जाएगा ना वही, हाँ, तो 9, 8, 17, 11, 28 हो रहा है, 28 बराबर 14,000, मतलब 1 बराबर 500 आ रहा है। शिवा का नहीं पूछा इसलिए हरि का पूछा है, और हरि का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8, 500, 4,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन था, करने लायक क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो राम शिवा और हरि का क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। अरे यार, शिवा का क्वेश्चन चला गया, ये तो क्वेश्चन ओरली करने वाला था, वी दिया हुआ था, यू दिया हुआ था, सम 20 दिया था, वी प्लस यू 20 हो गई एक इक्वेशन, फिर 8 किलोमीटर, ये 96 किलोमीटर 8 घंटे में, वी माइनस यू 12 दिया हुआ है, वो प्लस में 20 है, माइनस वाला 12 है, तो 16 और 4 आ जाएगा आंसर, 16 और 4 का डिफरेंस 12, ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। सच्ची सच्ची बताना, इस क्वेश्चन में लिखा किस किसने है कि वी प्लस यू बराबर 20 आ रहा है, फिर 96 बाई 8 बराबर 12 आ रहा है, v माइनस यू बराबर 12 आ जाएगा, v बराबर 20 और बराबर 32 बाई 2 16 हो जाएगा, तो u बराबर 4 आ जाएगा, अब v माइनस यू 12 आ जाएगा। तो अब बताओ आप कैसे, बताओ कैसे कम्पीट करोगे, ये सब चीज छोड़नी पड़ेगी ना आप लोगों को, बस में आ रही है, कई लोगों की कॉपी ऐसी रंगी हुई मिल जाएगी मेरे को भी। आपको समझ में आ रहा है ना कंपटीशन किन लोगों से हो रहा है, इतना लिखा बस, थोड़ा सा लिखा तो है ना, लिखना नहीं है ना इस क्वेश्चन को, लिखो कम सोचो ज्यादा, पेन उठना नहीं चाहिए क्वेश्चन देखते, प्रीलिम्स की आदत ही होती है। प्री में बताया बच्चों को, मैंने देखा है, मैं जिन दिनों पेपर देने जाता था बैंकिंग के, मैंने 2018-19 में कभी 19 में शायद दिए हैं, हाँ, मतलब ऐसे ही मजे करने के लिए, वो सॉरी सिलेक्शन पता नहीं क्यों हो जाता था, मजे करने के लिए जाता था मैं, ऐसे देखता था। अब बच्चों को देख रहा हूँ प्री में ना, सर शीट और मिल जाएगी ना सर, ये मतलब कम पड़ जाएगी सर मेरे रेफर के लिए, और मिल जाएगी ना, बोले अरे आप इस पे एक बार करो तो सही, सर ये कम पड़ेगी सर मुझे मालूम है, 2 ही शीट है सर ये, और मेरे को लग रहा है अरे पेपर मेरा क्वांट तो इतने पहले पेज के 1/4 में या इतने में हो गई, रीजनिंग इतने में हो गई, या रीजनिंग में इतना सेक्शन और चाहिएगा, एक पेज का पलटना और पड़ेगा बस, मतलब एक पेज पूरा उसको पलट लूंगा तो पलटने के बाद आधा पेज मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो ऐसा लगता है अगर वो, हाँ मतलब लिटरली अगर 60 मिनट का पेपर है ना तो 30-35 मिनट के बाद ऐसा लगता है अगर एग्जामिनर उसमें इन्विजिलेटर का नाम शिवा होता ना तो भाई साहब वहां सब आलिया भट्ट होती है, शिवा शिवा शीट शिवा शीट, ऐसा लग रहा होता मेरे को वहां पे। इसलिए ऐसा काम ना करें, लिखें कम ठीक है, सोचे ज्यादा, मगर प्रीलिम्स में देखे बच्चे रंग देते हैं और 5-5, 4-4 पन्ने का वो पूरा बना के लाते हैं, एकदम ऐसा पूरा बना देते हैं उसका, मैंने ये चीज देखी है, तो वो बच्चे सिलेक्शन की कगार पे कभी नहीं होते हैं जो इस तरह के पूरा बना देते हैं, समझ रहे हो आप, क्यों पूरा बन जाता है उनका, वो लिखते रहते हैं भाई। एक बात बताओ, पेपर ऑनलाइन है तो उसमें नीचे भरते जा रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करते हैं वो, तो इसलिए नहीं करना ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा ये चीजें ठीक है भाई। फिल्म बहुत खराब था शायद, नहीं खराब नहीं था, ठीक था, आई अप्रिशिएट द एफर्ट दैट हैज बीन पुट इनटू द मेकिंग ऑफ फिल्म बाय अयान मुखर्जी सर एंड ऑल, बिकॉज़ यस इन इंडिया इफ समवन इज ट्राइंग टू मेक सच अ लेवल सच अ कंटेंट एंड सच अ क्रिएशन देन इट हैज टू बी अप्रिशिएटेड, इफ वी विल नॉट अप्रिशिएट आवर थिंग्स आवर नेशनल थिंग्स देन व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, वी शुड नॉट कंपेयर एवरीथिंग विद यूरोप एंड ऑल द डेवलप्ड नेशंस, आई थिंक वी शुड डू appreciation at least, right? Because if we can't do anything, at least we can appreciate the people who are doing it. It is very easy to criticize everything. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, शिवम डायलॉग अच्छे नहीं थे, बट जिसने भी वो उसका इश्यू अलग है, मैं यहाँ नहीं बता सकता, वो अगर डिटेल में बात करोगे वो ही बता दूंगा आपको, क्यों अलग हुए, क्या भाषा का फर्क था, देशज और विदेशज का बैलेंस क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि डायलॉग राइटर ओरिजिनली उर्दू और फारसी मूवी की तैयारी कर रहा था, उसको शुद्ध हिंदी मिल गया, क्लिष्ट हिंदी, वो क्या फर्क है वो बता दूंगा, नॉट हियर, नॉट द राइट प्लेस। चलिए, दो स्टेशन पी और क्यू थे, पी और क्यू थे, 225 की दूरी थी, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसको मैं बना दे रहा हूँ आप लोगों की समझ के लिए, बाकी इसमें जिसको आता होगा उसमें किस किसने इसको बिना बनाए सॉल्व कर लिया था, किसने, मेरा तो बिना बनाए हो गया था, किस किसने किया, किसने तो किया होगा, पक्का किया होगा, सुनील ने किया, तरुण ने किया, सौरादित ने किया, यही बस टॉपर्स की शक्ल देख लो, जो जो ऊपर आए उन सबने ऐसे ही किया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे ही करना था भाई। 225 की दूरी है, 3 घंटे में आमने सामने से पार हो जा रही चीजें, 75 किलोमीटर पर आर की सम हो जाएगा स्पीड का। अब एक की 5 ज्यादा है तो मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, 75 में 2 का डिस्ट्रीब्यूट करना, 1 5 ज्यादा है तो 5 हटा के 70 बना दो। कई लोग बिल्कुल समझ नहीं आएगा, सॉल्व करके बता दूंगा, टेंशन मत लो। 35 हो गई, 35 हो गई, 1 5 बढ़ा दो 40 हो जाएगी, तो 1 ही 40 हो जाएगी, नन ऑफ दी आंसर आ जाएगा। जिसको समझना था समझ गया, बाकी लोगों के लिए नॉर्मली बताया, तो जो रेगुलर फॉलोअर्स है उनको समझ आ चुका है, उनको इतना टाइम लगा होगा। 225 है, एक यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, आमने सामने की स्पीड से आ रही है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। हाँ, अगेन मुझे पता, जो रेगुलर नहीं करते उनके लिए पूरा करा रहा हूँ क्लास, उन रेगुलर जो मेरे से मैथ्स पढ़ते हैं उनको इतना टाइम लगेगा बस, वो जो देखो अब क्या है, बाकी लोग देख ले आराम से। 225 यहाँ पे है, ठीक है। अब एक ट्रेन ए यहाँ से आ रही है, बी ट्रेन यहाँ से आ रही है, राइट, ओके, आमने सामने से आ रही है, 3 घंटे मिलना हो रहा है, तो आमने सामने से आ रही स्पीड ऐड हो रही होंगी। 225 3 घंटे में कवर हो रहा है, मतलब रिलेटिव स्पीड 75 आ जाएगी, 225/3। अगर ए की स्पीड 5 ज्यादा है तो इसको वी प्लस 5 मान लो, इसको वी मान लो, दोनों को ऐड करूंगा तो 2v+5 बराबर 75 आ रहा है, तो वी 35 आ जाएगा, हमसे ए पूछा है वो 40 हो जाएगा, ठीक है। आम जनता ऐसे करेगी, कुछ जनता तो सॉल्व ही नहीं कर पाएगी, PhD आ गया, भारी हो जाएगी चीजें, कुछ जनता ऐसे करेगी, जो सॉल्व ही नहीं कर रही इसको, वो तो खैर बिल्कुल मतलब उनका कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है, सिलेक्शन दूर दूर चीजें हैं। उसके बाद ये लोग जो है, ये हैं बॉर्डर लाइन वाले, 5 से रह गया, 2 से रह गया, 3 से रह रहा हूँ, 1 नंबर ऊपर आ गया कट ऑफ से, कट ऑफ क्या जाएगी उस पर डिपेंड करता है। और जो लोग ओरली कर देते हैं इस तरह क्वेश्चन को, वो मतलब है कि एग्जाम देके आते हैं, चलो सर मेंस में लगना, प्री तो फोड़ फाड़ दिया, बस ये है, ठीक है ना, ये 3 स्टेप ये होते हैं इस तरह क्वेश्चन को करने वालों के, है ना। चलिए, एक आदमी है, एक आर्टिकल को बेचता है, प्रॉफिट 2500 का कमाता है, डिस्काउंट 25% देता है, ठीक है। अगर 100x का मान लो उसके पास MP रहा होगा, तो 75x का SP रहा होगा, हाँ कि ना रहा होगा, 75x में बेचा होगा और 2500 रुपए का प्रॉफिट कमाया, मतलब 75x माइनस 2500 बराबर क्या हो गया, CP हो गया, क्या हो गया। अगर वो 500 ज्यादा का बेचता, 500 ज्यादा का बेचता, मतलब कितने का बेचता, 75x प्लस 500 का बेचता वो, तो उसको प्रॉफिट होता कितने का, 60% का प्रॉफिट होता। इसका मतलब क्या होता, 60% मतलब 8/5 ऑफ CP हो जाता, हाँ कि ना जल्दी से बताओ, 3/5 CP 60% होता है, तो प्लस 1 करके 8/5 CP हो गया SP, तो ये भी SP है। अब अगर 75x की वैल्यू कंपेयर कर ले, तो CP प्लस 2500, यहाँ से मैंने बोला था कॉन्स्टेंट की वैल्यू कंपेयर कर लो, x को हटा दो, 75x कितना हो जाएगा, CP प्लस 2500 बराबर 8/5 CP माइनस 500, यहाँ से 75x की वैल्यू ले ली, ठीक है, तो 3000 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 CP आ गई, CP 5000 हो जाएगा, ठीक है, 3000 बराबर 60% आ गया। क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताएंगे, प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट, ठीक है। सिंपली आपके लिए इक्वेशन आके हो जाएगा, 20-25 सेकंड का क्वेश्चन है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कैसे किया है, चल सकता हूँ आगे, आ जाइए, शाबाश। बस बात ये ना कि ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के आपको मॉक में करवाए नहीं जाते हैं, ताकि आप लोगों का ध्यान ना भटक जाए, क्योंकि मुझे पता आज जो बच्चे आए ना, वो काफी सारे बच्चे छोड़ देंगे कि यार ये आदमी मॉक ठीक नहीं कराता, क्यों, उनके नंबर नहीं आ रहे होंगे, बट एग्जाम में जाके बच्चे परेशान होते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में, यार ये क्या आ गया, ये कोई लेवल है, और फिर बोलते रहे, जैसे RRB क्लरिकल मेंस था, उसकी DIG देख के बच्चे पता क्या बोले, लिटरली मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है, बच्चों ने लिखा हुआ है फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, कि IBPS PO मेंस लेवल DIAI, अब बताओ वो RRB क्लरिकल मेंस की DIAI थी, लिटरली मेरे पास कमेंट है बच्चों के कि IBPS PO मेंस लेवल DIAI है। अब बताऊं क्या है उनकी एक्सपेक्टेशन, या तो IPS को बहुत हल्का समझ रखा उन्होंने, जब IPS PO मेंस ले जाएंगे तो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, कैट लेवल बोलेंगे। तो इसीलिए जिन लोगों की हालत खराब है उनकी रहने वाली, क्योंकि वो अभी तक सुधार नहीं रहे अपने में, सुधार कर लेने तो काम हो जाएगा। सिर्फ एक डी हार्ड थी, हार्ड नहीं थी भाई, हार्ड नहीं थी, पेपर की वजह से, आप मतलब RRB क्लरिकल के लेवल की वजह से ऐसा बोल सकता हूँ कि RRB क्लरिकल का जो लास्ट ईयर पेपर था उससे टफ आया था, और आना भी चाहिए था, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर एकदम ही फर्जी आ गया था, पेपर पूरे पूरे करके आया था, ठीक है, तो इसीलिए बात अलग है। बाकी 2017-18 के मैंने आपको DI कराए थे, आपको याद होगा DI मैराथन में, वो DI अच्छे थे 17-18 वाले, ठीक है ना, मगर
20 का पेपर 21 का पेपर ने एक्सपेक्टेशन हमारी कम कर दी। मैं तो चाह रहा हूँ 1 तारीख को पेपर इतना खींच के बनाए ना कि 2019 वाला पेपर आरएमपीओ का याद आ जाए लोगों को, तभी मजा आएगा। तुम लोगों को सच्ची बता रहा हूँ, इस बार जिनकी मैथ्स अच्छी ना जो अच्छा करते हैं उनको बहुत फायदा मिला आरआरबी क्लरिकल मेंस में। वो लोग खुद अंदर से जानते हैं कि तुम्हारे अटेम्प्ट 34 35 भी पहुंचे कुछ लोगों के, बाकी जनता 18 17 पे बैठी है, तुमने मैथ में ही बाजी मार ली सारी की सारी। तो जितना पेपर टफ आएगा ना मैथ का, तुमको बहुत फायदा जो मेरे से पढ़ रहे हो, कि तुम्हारे को मैंने तैयार कर रखा उस हिसाब से। अब एक बात, तो वैसे ही पेपर आता हर कोई मैथ में जाके 40 38 35 मारता, तुम्हारे पास गैप कितना आता भाई? उन्होंने जीए फोड़ा होगा ना, जीए इजी आई है तो वहां 8-8 नंबर 10-10 नंबर लीड मारी होगी ना तुमसे ऊपर, तो तुमने मैथ में कवर कर लिए वो लीड, इसलिए तुम बच गए हो। ठीक है, अगर मैथ भी वैसी आ जाती ना पपलू पपलू सी तो तुम्हारा काम बन जाता, तुम्हारे को सब पीछे छोड़ के चले जाते, जीए भी फोड़ते हो क्वांट भी फोड़ते आके, और फिर तुम रह जाते पीछे। तो 1 तारीख को भी दुआ करो क्वांट का लेवल अच्छा आए, ना कि पिछले साल जैसे हल्के हल्के पेपर आ जाए। 2019 के जैसा पेपर आया था वैसा ही पेपर दोबारा आने दो, ठीक है? इसलिए क्वांट का पेपर 1 तारीख को मैं जा रहा हूँ, बढ़िया डीआई आए, 3-4 खींच के 1-2 डीआई दे वो, ताकि थोड़ा सा बढ़े मामला। आरआरबी क्लरिकल ने बढ़िया पेपर दिया है। ये क्वेश्चन किस किस ने किया बताओ, जिसने क्लासे की होंगी ढंग से 0 to infinity उसने किया होगा, अदरवाइज नहीं होगा क्वेश्चन। ये किस किसने किया सच्चे अच्छे बताओ, शक्ले बताओ अपने, नहीं किया का नहीं पूछ रहा, मैं पूछा किया किसने, किसने किया? अनंतान सही किया, ये क्या बात है, और किसने किया जल्दी बताओ, सौरदीप किया या नहीं किया क्वेश्चन? ये नहीं किया क्वेश्चन, किया था बट कैलकुलेशन गलत हो गई। अच्छा, किसी ने नहीं किया क्वेश्चन वाला? ये क्वेश्चन डेवलपर ने दिया था मेरे को, और रात को मैं अड़ गया था इस बात पे। मैं बताता हूँ क्या हुआ था, ये क्वेश्चन आपको पता है ना, 0 to infinity नोट्स में से क्वेश्चन है ये वाला, पता है ना 0 to infinity नोट्स में, अनंता ने परसों किया रिवाइज तो कर गई आ गई वो, ठीक है ना। उसने मेरे को जो क्वेश्चन दिया डेवलपर ने वो दिया था 16√3 बनाया हुआ यहाँ पे मेरे को, ठीक है, मतलब टाइप जो किया था 16√3 ऑप्शन था। मैंने इसको मैं अड़ गया, मैंने कहा नहीं 32√3 हो, क्योंकि ये क्वेश्चन अब मैं गलत नहीं कर सकता। क्यों? उसका रीजन पता है ना आप लोगों को जो पढ़ते, ये क्वेश्चन अब मैं गलत नहीं कर सकता कभी भी, ये मेरे दिल में बसा हुआ है, ठीक है। हाँ, मैंने पूरा इसको डेराइव किया था कैट में, इसके डेरिवेशन में क्वेश्चन डाला लास्ट ईयर, और मैंने खुश होकर गलत कर दिया। अरे ये तो मैंने पढ़ाया पढ़ाया, एक्साइटमेंट में नेगेटिव लगवा लिया था, और वही गलती उनके सॉल्यूशन में कर रखा था 2-3 जगह ये, ठीक है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन होता है, आपको रोमबस पता होना चाहिए। रोमबस क्या होता है? ऐसा होता है रोमबस, हाँ कि ना। अब डायगनल 4 और 3 है, 4 और 3 नहीं 8 और 6 मान लो डायगनल इसके, ठीक है, 8 और 6 डायगनल मान ली। क्यों? क्योंकि डायगनल क्या करूंगा, ये आधे आधे करने पड़ेंगे ना 4 और 3, जब ये 4 या 3 तो ये 5 हो जाएगी साइड, पेरीमीटर हो जाएगा कितना 20 की वैल्यू 160 दी हुई है, मतलब डायगनल कितने हो जाएंगे 8 8 64 6 8 48, हाँ कि ना, क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हो गया, डायगनल की वैल्यू 64 और 48 आ जाएगी। जिनको नहीं आता डेरिवेशन देख लेना मेंसुरेशन का, ठीक है। 64 और 48 आ गया, यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी से बताएंगे, यस बोलो, नहीं कॉल में बुला के पूछूंगा फिर, मैं करवाऊंगा या सॉल्व में, ओके। 64 सर एक बार प्लीज, हाँ तो पहले बोलने में शर्म आ रही है, 3 बार चिल्लाऊंगा तभी बताओगे, बोलो ना, डाउट आ रहा है भाई। ये रोमबस होता है, अब कई बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगी, बचपन में पढ़ी नहीं ज्योमेट्री कभी ना, अभी पढ़ रहे हैं। ये रोमबस होता है, पतंग जैसा कुछ लगता है। मैंने इस डायगनल को माना कितना, एक डायगनल को 8 मान लिया क्योंकि उसने 4:3 दिया, तो दूसरा डायगनल 6 मान लिया। अब डायगनल दूसरे को 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, रोमबस की प्रॉपर्टी होती है, तो ये 4 ये हो जाएगा 3 आधा आधा। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है छुटका, तो 3 और 4 पे है, तो ये 5 हो जाएगा। रोमबस की एक साइड 5 है, सारी साइड 5-5 होंगी, ये पता है, प्रॉपर्टी है, बेसिक पढ़ाया हुआ सब बच्चों को मेंसुरेशन। आप लोग कहीं और पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिएगा, जहां भी पढ़ते हैं। रोमबस का पेरीमीटर 160 दिया हुआ है, तो यहाँ पर पेरीमीटर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 बराबर 160, तो 1 बराबर 8 आ रहा है। तो डायगनल आपने कितने माने, 8 और 6 माने ना, 6 और 8 पूरा, 8 वाले को 64 बोल दो, 1 बराबर 8 है, 6 बराबर 48 हो गया। रोमबस का एरिया कितना होता है, हाफ डी1 डी2 होता है, हाफ ऑफ डी1 डी2, मतलब 32 × 48 बच जाएगा इसका एरिया। ये एरिया एक स्क्वायर के बराबर है, तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ एरिया, स्क्वायर की साइड ही होती है ना एरिया, स्क्वायर की साइड का स्क्वायर एरिया होता है, तो एरिया का रूट साइड हो जाएगी। हमसे डायगनल पूछा है, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया। 32 को लिख सकता हूँ 16 × 2, 96 को लिख सकता हूँ 16 × 6, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 16 बाहर और अंदर √12, मतलब 2√3, ठीक है, 32√3 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन था IBPS PO प्रीलिम्स, SBI PO प्रीलिम्स के हिसाब से, मगर 1-2 क्वेश्चन टफ आते ही मान के चलेगा, 15 में से सारे क्वेश्चन इजी नहीं हो सकते, ये क्वेश्चन टफ था, मैं खुद बोल रहा हूँ। अब आती है नंबर सीरीज, नंबर सीरीज इजी थी,
या केसलेट करूं नंबर सीरीज या स्पीड मैथ करके दिखाऊं, क्या बोलेंगे बताओ, वो करा दूंगा। अच्छा और बची होगी अर्थमेटिक, अभी तो अच्छी वाली अर्थमेटिक बाकी है जो आपकी आने लगी है आजकल, वो जो डाली है ना लग से, देखो करा रहा हूँ, एक सेकंड रुकना प्लीज, एक सेकंड। केसलेट बनाऊंगा तुमको शर्म आ जाएगी, केसलेट बनाऊंगा तुमको पहले शर्म हो जाएगी, बताता हूँ, पहले केसलेट कराता हूँ, आधा मिनट लगेगा मुश्किल से, शर्म मत करना, केसलेट करा दूंगा, ठीक है ना, कि सर ये हमने क्यों नहीं की है, ठीक है। एक बम्बूजा पम्बूजा जो भी है, ये एक्स वाई मेल फीमेल, टोटल बात खत्म हो गई, टोटल नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन वाई ट्राइब, वाई में फीमेल कितनी है 1200, इन वाई नंबर ऑफ फीमेल इज 40% लेस देन मेल पॉपुलेशन, मेल का 40 का मतलब 60 है, तो मेल कितनी हो जाएगी 2000, टोटल कितना हो गया 3200। अरे ठीक है, हाँ, इन एक्स ट्राइब मेल पॉपुलेशन इक्वल टू फीमेल, इसमें मेल फीमेल इक्वल है, बढ़िया, पॉपुलेशन ऑफ एक्स इज 50% मोर देन दैट ऑफ वाई, 3200 की 50% 4800, ये 2400 डी ए खत्म हो गई, ठीक है, कर लेना घर बैठे बैठे, डी ए तुमने नहीं बनाई है, ठीक है, डी ए खत्म हो गई है, ये तो ईजी है, तो मैं क्या करूँ, नहीं की तो भाई इस क्वेश्चन को छोड़ के आ रहा है, तो भाई साहब वो क्यों चाहता है सिलेक्शन, मुझे पता ही नहीं है अपना, इस क्वेश्चन को क्यों नहीं कर रहा कोई, इसमें से एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है, ये 11 स्टूडेंट का मैंने यूज कहाँ किया है, एक डेटा तो एक्स्ट्रा था और दे रखा है मैंने, तो ये डी आई जो पूरी एक डेढ़ मिनट में पौने दो मिनट में पैकअप करके पांच क्वेश्चन करके खत्म कर देने, ये डी आई को छोड़ के आ रहा है तो उम्मीद ही ना करे भाई क्या कर रहा हूँ मैं इस पेपर में, ठीक, उम्मीद ही नहीं करनी इस डी आई को छोड़ दिया अगर पेपर में, तो समझ रहे हो ना क्यों, क्योंकि ये दुनिया का हर बच्चा बनाने के लिए बैठा होगा वहां पे जो सेलेक्ट होना चाहता है वो, इसको अगर आप गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मतलब क्या ही कर रहे हैं आप ही जानते हैं, फिर उसके बाद में ये गलत कर नहीं सकता, सिंप्लीफिकेशन से कम टाइम लिया इसने, पांच सिंप्लीफिकेशन करना ज्यादा टाइम लेगा, ये डीए उससे कम टाइम लेगी, बस समझ आ गई, चल आओ बाकी अर्थमेटिक संभाल लें थोड़े से, कौन बोल रहा है कुछ अपने को भाई, अच्छा सेल चल रही तो 8 जीन्स खरीद लूंगा मैं 3000 में, सही है भाई, भाई बढ़िया है, सेल चलाते रहो, कह रहा वो भी खरीद लो ये भी खरीद लो, देखो 3 पाइप है 1 2 3, 30 40 60 में भरते हैं, 30 40 60 में भरते हैं, टोटल वर्क कितना मान लो 120 मान लो क्या, तो 4 की एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी, 3 की आ जाएगी इसकी, 2 की एफिशिएंसी आ गई इसकी, यहां तक बात समझ में आ गई, 120 दिमाग में रखना है अपने, अच्छा तीनों को पाइप भरना शुरू किया, पाइप थ्री जो है ये वाला, इसको 12 मिनट पहले बंद कर दिया, बाकी दोनों टी टाइम में भर रहे होंगे, मान लो तीनों ने टी टाइम में भरा होगा पूरा, ठीक है, तो ये 4 रहेगा 4 टी तक, 3 रहेगा 3 टी तक, और ये कितना रहेगा 2 रहेगा टी माइनस 12 तक, तो टोटल वर्क 120 हो जाएगा, दैट्स इट, 4 3 7 2 9 90 बराबर कितना होगा 120 और 24 हो जाएगा 144, टी बराबर 16, चल मेरे भाई सिंपल क्वेश्चन खत्म, क्लियर टू एवरीवन, चल सकते हैं आगे, नो ट्रिक ओनली बेसिक्स, स्टिल वी आर फास्टर देन ट्रिक्स, इजंट इट, चले आगे, एक वेसल है उसमें ऑयल ए है ऑयल बी है, ये रहा ए ये रहा बी ये रहा 9x ये रहा 7x, 25 लीटर बी डाल दिया तो ए की क्वांटिटी 75% हो जाएगी बी से, तो ये 3 ये 4 ये 3x हो गया, 12x बराबर कितना हो गया 7x प्लस 25 हो गया, x बराबर कितना आ गया 5 आ गया, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वेसल इफ इट becomes full after addition of 25 liter oil, तो मतलब ये करते capacity full हो जा रही है, x को 5 लेना होगा 9 7 16 5 80 और 25 105 लीटर आंसर आ गया ना भाई, बात ही खत्म हो गई, ट्रिक वाला बच्चा सोचता रहता है ये ट्रिक लगाऊं वो ट्रिक लगाऊं, झाड़ू ट्रिक पोंछा ट्रिक कौन सी ट्रिक थी पूरी ट्रिक भुजिया ट्रिक हलवा ट्रिक ये ट्रिक, वो सोचे तब तक तो भाई करके निकल चुके होंगे, अगले क्वेश्चन होंगे वो ट्रिक सोचेगा तब तक तो बैठा बैठा है ना, तो HCF of दो नंबर इस 23, ये रहा पेन ये रख दिया यहाँ पे, जितना क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे ना वो क्वेश्चन ओरली होंगे, दो नंबर्स का HCF 23 है, बाकी के दो नंबर 13 और 14 है, तो लार्जर ऑफ क्या होगा, एक नंबर 23 × 13 कर दो, एक नंबर 23 × 14 कर दो, बात खत्म हो गई है, क्या पूछा है लार्जर कौन सा होगा, 23 × 14 होगा, 230 में 92 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 330 में 8 घटाए 322, न जाने क्यों इस क्वेश्चन को बच्चे छोड़ने वाले हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं था HCF LCM क्या होता है, इसलिए वो छोड़ेंगे आप लोग करके निकल जाना, क्वेश्चन तो आ रहा है RRB क्लर्क में भी आया था इसमें भी आएगा कुछ ना कुछ, तो
सिंपल सी बात है, जब बताया था बेसिक क्लासेस में HCF ऑफ टू नंबर क्या होता है, 23A 23B, यही दोनों तो है HCF वाले, तो इनके दो फैक्टर क्या है, यही दोनों फैक्टर बनेंगे, एक को 13 कर दो एक को 14 कर दो, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे बच्चे। मगर ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, छोड़ेंगे इसको यार, यहाँ पर छोड़ा है 83% बच्चों ने गलत किया क्वेश्चन, ये 83-84% बच्चों ने गलत किया था, 16-17% का सही था, ये सोच लो पेपर में क्या होगा, पेपर मुश्किल से 5% बच्चे सही करेंगे, 94% बोलेंगे अरे क्या क्वेश्चन आया था सर, ये पता नहीं क्या है, क्या कर सकते हैं इसमें सर, ये तो पढ़ा ही नहीं जीवन में हमने। सर पोल का है अर्नब, वेलकम वेलकम वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अर्नब, ये सॉल्यूशन चल रहे हैं, 10 से 10:45 पेपर ऑलरेडी हो चुका है मेरे भाई, ये इनको लग रहा है मैं पेपर करा रहा हूँ, अर्नब पेपर हो चुका है पिछली क्लास में 10 बज के से लेके 10:45 तक, ये सॉल्यूशन क्लास चल रही है अर्नब, ठीक है भाई, वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा आई एम जॉइनिंग फर्स्ट टाइम, ओके अर्नब वेलकम वेलकम वेलकम, इसीलिए बोला मैंने आपको, ठीक है, तो अब से आप ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हाँ कि ना, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि नहीं आता, आजकल हमेशा आ रहा है, नियम बन गया, मगर आपको तो सीरीज याद हो चुकी है, पढ़ा चुका हूँ ढंग से, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सीरीज है, 5 क्या होती है जल्दी से बोलो, a-4 a-2 a है, साथ में बेटा इन द काली कार है, हाँ a-4 a-2 a+2 a+4 ये हो गया, साथ में एक इवन नंबर की सीरीज भी चल रही है, इनके संगी भी बैठ जाएंगे, भी बैठा इन द काली कार है, हाँ गाना कल बहुत सुन लिया तो इसलिए चढ़ा हुआ है दिमाग पे, तो इसलिए हर कुछ क्वेश्चन में गाना घुसा जा रहा हूँ ये वाला, है ना, तो a-4 a-2 a+2 a+4 इसका रीजन आप समझते हैं, दो दो का गैप है क्योंकि ऑड नंबर के बीच में दो दो का गैप होता है, और ये सीरीज इसलिए ली जाती है क्योंकि कट जाती है सब कुछ ऐड करने पे, इसी तरह से बी की भी एक सीरीज ले ली, ये इवन नंबर की, दिस इज ऑड दिस इज इवन, अब कोई दिक्कत है नहीं, रख दो पेन, हो गया काम। सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ दिस, इफ एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, देखने जरूरत नहीं है, ये रहा एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर, ये दिया हुआ है 60, और सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ दिस, यानी कि ये a-2 जाएगा, a-2 इज 4 मोर देन 5/12 ऑफ थर्ड हाईएस्ट नंबर, थर्ड हाईएस्ट नंबर ये रहा, 5/12 इसका कितना हो जाएगा 25, a बराबर कितना आ गया 31, क्वेश्चन खत्म, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट नंबर ऑफ बोथ द सीरीज, 4 से 4 काट दो a-b, a कितना 31, बी कितना 60, 60 में 31 गए, आपको बताया भाई ये क्वेश्चन तो आपसे पास कोई नहीं कर पाएगा, आपके पास इतनी शानदार मेथड है इसका, और कितना भी टफ बना दे आप कर लेंगे क्योंकि आपको सीरीज पता लग चुकी है। क्या यहाँ तक सभी के लिए, जल्दी से बताएंगे, सर प्लीज एक बार और, आपको सीरीज नहीं वालों इसलिए एक बार में 6 बार बताऊंगा तब भी समझ में नहीं आएगा, सीरीज पता होनी चाहिए, बेसिक क्लास में आएंगे तब पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए, एक्स एंड वाई वर सोल्ड एट दिस एंड दिस, कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस एंड दिस, कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है, 100-100 रुपए कॉस्ट प्राइस मान लिया, ठीक है, उसके बाद उसको डिस्काउंट बेचा, ठीक है, प्रॉफिट ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, प्रॉफिट अर्न फॉर आर्टिकल वाज दिस, दिस इज द एसपी, कितना आ जाएगा ए, ये बी, ठीक है, एसपी कितना 108 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 100 340/3 हो जाएगा, चेक कर लीजिए बी का, 100 + 40/3 340/3 ये आ गए एसपी आ गए दोनों के, ठीक है भाई, ठीक है, ये तीनों के अगर दोनों के एसपी आ गए, अब डिस्काउंट इतना मारा है, तो अगर इसका एमपी ऑफ ए, एमपी ऑफ ए का कितना डिस्काउंट दूंगा 10%, मतलब 9/10 करूंगा, 9/10 तो 108 आ जाएगा, और एमपी ऑफ बी पे अगर मैं कितना करूंगा 15% डिस्काउंट, 85%, मतलब 17/20 कर दूंगा क्या 85% को, तो ये 340/3 आ गया, बस एमपी का रेशियो निकालना, ये 1 से काटा 2 बार, 17 से काटा इसको 20 बार, 9 से काटा इसको 12 बार, और कितना बस ए और बी का रेशियो निकालना है ना बस, तो ये 2 को उधर भेजूंगा, ये कहा है 2 नीचे था ना, उधर जाके 40/3 हो जाएगा, तो 36/40 आंसर आ जाएगा, 9/10 आंसर हो जाएगा, क्लियर टू एवरीवन, अब क्या करना है बोलो, नंबर सीरीज करवा दूं, देखो भाई क्या है नंबर सीरीज में, नो विजार्ड नहीं करवाऊं, रिजल्ट पता क्यों जा रहा है नहीं करवाऊ, क्योंकि इसकी हो गई होगी, और ये क्या है सेल्फिश है, तो इसलिए वो क्या सोच रहा है मत करवाओ, ठीक है, इसीलिए बस ये दिक्कत है ना। अब क्या मामला देखें, क्या है डीआई करा दो बड़ी वाली, उसमें क्या है, करा देंगे वो भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये नंबर सीरीज देखते हैं एक बार, ये गैप कितने का रहा है, 125 का गैप आ रहा है मेरे, हमेशा मैंने आपको बताया आगे से नहीं पीछे से देख लो, अगर सीरीज समझ में नहीं आ रही है तो, ये कितने का है
36 का है, 49, तो ये स्क्वायर सीरीज चल रही है, ठीक है, कर लोगे, ये स्क्वायर सीरीज चल रही है। 32 से 80, 80 से 200, ये हो जाएगा 5/2, ये भी 5/2, ये भी 5/2, 5/2 का मल्टीप्लाई चल रहा है, 12 × 24 प्लस 5 = 29, 29 × 58 = 63, 63 × 126 = 131, 15, 28, 48, 82, 137, 10, 13 का गैप है, 20 का गैप है, 34 का गैप है, 5 का गैप है, 7 का गैप है, 14 का गैप है, 21 का गैप है, डबल डिफरेंस 7-7 में चल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन टफ था आई थिंक, है ना, ये वाला क्वेश्चन टफ था ना, ये बहुत टफ था, ये सॉल्व करा ही नहीं सकता, इसको आप कर ही नहीं सकते पेपर में, नहीं कर सकते आप इसको पेपर में, किया तो अच्छी बात है, कर नहीं सकते इसको पेपर में, क्योंकि एक सीरीज ऐसी दी जाती है जिसमें आपके 2-3 मिनट खराब हो, ये जानबूझ के डाला था कि 2-3 मिनट खराब कर दे बच्चा मॉक में और उसका सिलेक्शन रुक जाए, एग्जामिनर यही चाहता है कि रोक दूं उसका मैं, तो जो इसमें फंसेगा रुक जाएगा। फालतू सीरीज है, मेरे से भी नहीं हुई थी पहली बार में, मैं आपको बताता हूँ, और इसीलिए मैं ऐसी सीरीज ढूंढ रहा था मुझसे जो ना हो वही डालनी है, पर मुझे स्ट्राइक नहीं करी फ्लो में, तो वही डाल दो ताकि बच्चों को भी ना करे स्ट्राइक, मुझे नहीं करेगी तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को बहुत जल्दी से कर जाएगी स्ट्राइक और उसका पेपर खराब हो जाएगा, बस मैं ये चाहता हूँ हमेशा, ठीक है सर। ऐसे कब करेंगे चलेगा अंकित, आप पिछले साल के पेपर पर कुछ कभी फॉलो वॉलो नहीं किया क्या आपने, मेरे को पहली बार आते हो क्लास में, आप ऐसे कब करेंगे चलेगा, मतलब नहीं लगा दो 5 मिनट फिर क्या दिक्कत है, 20 ही तो मिनट है, 5-7 मिनट पर लगा लेना आराम से, आप पहली बार आए हो मेरी क्लास में, मैं तो हर क्लास में बताता हूँ कैसे क्या करना है क्या, आप फिर क्यों पूछ रही है सर ऐसे स्किप करेंगे चलेगा, आपको नंबर लाने है कि मतलब ये देखना है कि नंबर सीजन कितने आए थे कम आए थे, आपसे कोई स्ट्रेटजीज के बारे में ढंग से बात कर नहीं रहा है या फिर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, मैं जान लेना चाह रहा हूँ, आपको तो शायद मुझे लगता है पूरे दिन स्ट्रेटजी वीडियो मिलते रहते हैं, क्या ऐसी बात नहीं होती है कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को, मैं तो यूट्यूब पे देखता हूँ रोज के 100 वीडियो अपलोड होते होंगे कम से कम बैंकिंग स्ट्रेटजीज के, हाँ रोज 100 वीडियो दिखते हैं, मतलब उसमें बात नहीं होती ये सब, पता नहीं सर एक फ्लो में करना है जो आए, मैं अब इसमें रिपीट नहीं करूंगा, मैं बहुत बार स्टेटमेंट दे चुका हूँ, बार बार रिपीट करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक। खैर 5 × 15, 5 × 105, अब ये फालतू का क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें लॉजिक क्या है, जबरदस्ती लॉजिक लगवाया है लगा लो भली, ये लॉजिक है फालतू का जो एग्जाम किसी स्ट्रैक नहीं करेगा, ठीक है, यहां से यहां तक का, फिर यहां 7, 9, 11, फिर 9, 11, 13, ऐसा लॉजिक है, यूजलेस लॉजिक है, मगर एग्जाम में आएगी ये, ठीक है, ये एग्जाम में एक तो आएगी 5 में से जिसका कोई सर कंजुगेटिव प्राइम नंबर को की सीरीज ऐसे चलती है, किसने बताया आपको प्रभाकर जी, प्राइम नंबर की कोई सीक्वेंस थोड़ी होती है, ये किसने बताया प्रभाकर आपको, आप लोग सोच तो लिया करो कैसे बोल कैसे देते हो, कंजुगेटिव प्राइम नंबर मतलब 31 के बाद आ गया 37, डाउट है थोड़ा लॉजिक लगाओ ना, डाउट ऐसे पैदा मत होने दिया करो दिमाग में, सोचो ना 5-7 प्राइम नंबर रैंडमली, 2-3, 5-7 के अलावा दुनिया में आगे प्राइम नंबर होते हैं उनको सोचो, 31 के बाद क्या आता है 37, आपकी सीरीज हो चुकी है फ्लॉप, हो गई चलो 2 में हो गया, हाँ तो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो, डाउट ऐसे देखते डाउट में, अगर मैथ सीखनी थोड़ा सा स्ट्रगल करो उसको, थोड़ा सीखो धुनना सीखो उस डाउट को, ऐसे नहीं कि बस आया कुछ भी सर डाउट है ना, ऐसे नहीं होता सर सुबह से पॉटी नहीं आ रही कौन सी दवाई लूं, डाउट ऐसे नहीं होता है ना, थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम को खुद से फेस करना पड़ता है हमारे को, ऐसे मैथ्स नहीं सीख पाते हम लोग, ठीक है, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, एक बच्चे के लिए नहीं बोल रहा कि मतलब आया कुछ भी डाउट नहीं, हमारे को खुद को क्या करना है, अरेंज करनी है चीजें, खुद को समझना है कि हमारी प्रॉब्लम है क्या बेसिकली, ठीक है, कुछ भी ऐसे नहीं करना कि कुछ भी दिमाग में चल रहा है डाउट हो गया, नहीं उससे फिर आप सीख नहीं पाएंगे, मैं तो आपको चीजें बता दूंगा, मेरा तो काम है, समझ रहे हो भाई, मैंने तो बता दिया चलो बच्चे ऐसे होगा 31 का 37 हो गया, फिर 41 हो गया, 43 कुछ भी हो सकता है, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करते प्राइम नंबर, बट अब आपकी सोचने कैपेसिटी से नहीं बढ़ पा रही है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा यार सर कितने अच्छे कितने सपोर्टिव है, मेरे सारे डाउट क्लियर करते हैं, सर तो अच्छे हैं, सर का दिमाग भी बहुत अच्छा होता जा रहा है, अगर आपका दिमाग आपको इम्प्रूव करना है ना तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल जरूरी, कुछ टाइम बताया कीजिए अपने डाउट के साथ में, उसको तुरंत मत दाग दीजिए क्योंकि सॉल्यूशन मिल जाएगा, आजकल बड़ा टेक्नो फ्रेंडली जमाना है, मैं नहीं तो कोई डाउट सॉल्वर दे देगा, डाउट की टीम है, अनअकैडमी में इतने ऑप्शन है, 1000 प्लेटफॉर्म बने हुए डाउट्स के, गूगल पे डाल दो वो भी आ जाएगा, बट आपका दिमाग इंप्रूव नहीं होएगा उससे, तो इसलिए थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ते समय ध्यान रखिए कि जो भी दिमाग में आ रहा है तुरंत नहीं पूछ के उसको, एक बार उसके साथ घूमो दिमाग में लगाओ, यार ऐसा हो सकता है क्या,
फिर करो तो आपका दिमाग बहुत जल्दी इम्प्रूव होगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, फील होगा। लास्ट वाली डीआई की डिमांड आ रही है, डीआई में कुछ है नहीं, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, कहें तो ठीक है, क्योंकि फिर खाली लेंथी और कुछ नहीं है, ठीक है भाई, करें पहले तब याद भी रहता है मेथड। हाँ, पहले जमाना जब था ना, जब मतलब हम भी उस जमाने के हो गए, तो हम भी ऐसा लग रहा है पहले का जमाना हो गया, जो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बढ़ी है, 9-10 साल पहले जब लैपटॉप और इससे पढ़ाई नहीं होती थी ना, किताबों से होती थी, और डाउट मतलब अगले दिन जब आप टीचर के पास जाओगे तब समझ आएगा, एक दिन तक कोई डाउट लेने वाला नहीं है, ऐसे नहीं होता था, ऑनलाइन बैठे हैं तो आपने देखा होगा बच्चे के डाउट बहुत कम रहते थे, बच्चा उस दिन खुद 2 घंटे जो बच्चे ढंग से पढ़ने वाले थे, अब जो शाम को गली में खेल रहा है आराम से क्रिकेट, उसका तो भूलभाल गया, जो बच्चा उसको बैठ के 1-1.5 घंटा लगा लेगा ना, सेट हो जाएगा, ठीक है। खैर देखो यहाँ पर कहता है, इन ईच शोरूम द नंबर ऑफ कार जो है इज द एवरेज ऑफ स्कूटर एंड बाइक, कार जो दी है स्कूटर और बाइक का एवरेज है, तो स्कूटर बाइक का एवरेज मतलब स्कूटर प्लस बाइक बाय 2 बराबर कार है, तो बाइक की संख्या कितनी देगी, ट्वाइस ऑफ कार माइनस स्कूटर आ जाएगी। पहले से सारी बाइक निकाल लीजिए, आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा, पहला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ कितना टाइम बच रहा है, शोरूम ए की ही बात हो रही है, शोरूम ए में अगर देखता हूँ ट्वाइस ऑफ कार मतलब कितना हो जाएगा, 892 हो जाएगा, क्या मित्र डबल इसका, इसमें से स्कूटर घटाऊंगा तो मेरी बाइक की संख्या आ जाएगी, 2 में 2 गया 0, 9 में 4 गया 5, 8 में 3 गया 5, 550 आ गई आपकी जितनी बाइक आ गई। क्या पूछता है, ओनली 3 टाइप्स ऑफ बाइक्स आर देयर, 550 बराबर कौन है, यामाहा केटीएम पल्सर, और वो रेशियो है 27:15:42 और 3:55 का, तो 10 के बराबर का रेशियो हो गया, ठीक है, 1:10 हो गया। अब जो यामाहा बाइक है, यामाहा कितनी है, 150 हो जाएंगी, यामाहा हो जाएंगी 150, ये या तो एफजे है और ये क्या है R15 है, 60% RFZ, तो 60% मतलब 90 हो जाएंगी FZ, तो बची भी 60 हो जाएंगी कौन, R15। फाइंड द एवरेज ऑफ R15 यामाहा बाइक एंड स्कूटर इन शोरूम में, स्कूटर कितने 342, 342 और 60 का एवरेज 402/2 हो जाएगा, 201 आंसर आ जाएगा, ऐसी डीआई थी, समझ आ गई सबको, बस लॉजिक ये की था एवरेज निकालने वाला, ये आजकल बहुत फेमस चल रहा है ये वाला लॉजिक है ना, बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन जबरदस्ती लेंदी बनाए हुए क्वेश्चन है, उसको बांट दो, इसको बांट दो, ये 201 ये वाला बना था, हाँ अब ये क्वेश्चन बना ही नहीं सकता मैं, काय करूंगा पेपर में, सिर्फ कैलकुलेटेड डीआई नथिंग एल्स, ठीक है, करके देख लीजिएगा, फिर डाउट हो तो बता देना, ठीक है भैया, आपकी तबियत ठीक नहीं अभी, हुई नहीं है, देखते हो जाने वाली है, हो जाएगी कुछ दिन में, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को आज का पेपर पसंद आया होगा और आगे भी आप इसी तरह से जुड़े रहेंगे, अभी थोड़े से मॉक मैंने आज शुरू कर दिए आपके लिए, एक मॉक और लेंगे अभी 1-2 दिन के अंदर, मैं मॉक में 2 दिन का टाइम मैं लूंगा, क्योंकि मैं 15 तारीख से पहले 10 मॉक कराना चाहता हूँ आईपीएस पीओ के, और रोज मॉक का मतलब समझते हो क्वालिटी गिर जाएगी, बात समझते हो, ये लेवल का मॉक देख रहे हो ना भाई, जो आप पेपर देते हो मॉक टेस्ट सीरीज वालों के, पूरे साल के 20-20 पेपर दे रहे हैं ना, प्री के 20 या 30, मैं आपको अगले 15 दिन में 10 मॉक दे दूंगा, इतना बोल रहा हूँ आपको, समझ रहे हो, और क्वालिटी आप खुद देख पा रहे हैं क्या मिल रही है आपको, तो इसकी टेंशन ना लें क्वालिटी की। 12 बजे मिलते हैं अकेडमी प्लस की क्लास में, और शाम को 7 बजे है मेंस की क्लास, क्योंकि फ्री मेंस की क्लास तो जरूरी है ना, ये तो प्री की हो गई, और भैया को तो तुम लोग बोलते हो मेंस की क्लास चाहिए तुम्हारे को, तो फ्री मेंस की क्लास आज अनअकैडमी वाले यूट्यूब चैनल पे है, जिन लोगों को अभी तक मुझसे जुड़ने का मौका नहीं मिला है, जो जुड़ना चाहते हैं वो मेरे से जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, वो टेलीग्राम ग्रुप है, कब कब चैनल नेम सब बता रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा उसमें ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मेरी सारी क्लासेस की अपडेट्स आपको मिल जाती है, ठीक है भाई, इस टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइएगा, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर मेरी सभी क्लास की अपडेट आपको पिन मैसेज में देखने को मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो मेरी प्रोफाइल पे लिखा हुआ है नाम, सब लोग जानते हैं, बता भी देंगे बच्चे आपको, लर्निंग कैप्सूल्स नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां पे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्लास, थैंक्स सर, ओके ग्रेट, तो इस ये वाले यूट्यूब चैनल पे मेरे 1000 से ऊपर वीडियो है, और सारी मेरी अपडेट्स वहीं मिलती है, मेंस का फ्री कॉन्टेंट भी वहाँ रखा है, तो चलिए थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, टाटा एंड बाय बाय, विल सी यू एट 12 PM इन प्लस क्लास, प्लस क्लास में आज आप जो बोलेंगे कराएंगे देखते हैं, ठीक है भाई, चलिए बाय बाय, आता हूँ मेडिसिन वगैरह लेके, ठीक है।